ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। साथियों, जब योजनाएं प्रचार और परिवार के भ्रष्टाचार का शिकार होने लगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाई बहनों का होता है, हमारे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है इस सच्चाई को तेलंगाना के हर एक नागरिक तक लेकर जाएं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तेलंगाना का सामर्थ्य क्या है, यहां कितनी संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का 100वां यूनिकॉर्न हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं हमारे युवा नौजवान साथी। और बात जब टेक्नोलॉजी की हो और तेलंगाना और तेलंगाना के युवाओं की क्षमताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं, वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग
तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं, उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, टिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। मैं आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें पूरी मेहनत करनी है, हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा। तेलंगाना तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त होगा, परिवारवादी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा। और भाइयों बहनों, मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता। मैं तो गुजरात का कार्यकर्ता था, पूरा देश न मुझे जानता था, लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया था। जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाषण सुनने के लिए टिकट रखी गई थी, पैसे देकर के आइए सुनने के लिए, और मैं देख रहा था तेलंगाना के लोगों ने टिकट खर्च करके इतनी प्रेम वर्षा की थी, और उसे वही एक टर्निंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। यही हैदराबाद, यही तेलंगाना, हम नया इतिहास बना करके तेलंगाना में झंडा गाड़ने वाला है। साथियों, मैं आपके परिश्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मैं आपके जज्बे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ना आप झुकने वाले हैं ना आप थकने वाले हैं, आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।